There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. आइए देखते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस की अजीब और बुरी आदतें। रणबीर कपूर, आलिया के पति रणबीर की इस घिनौनी हरकत को देखकर तो आप वीडियो ही देखना बंद कर देंगे। अनुष्का शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि रणबीर शूट के वक्त उन पर अपनी नाक लगा देते थे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन की आदत भी बहुत अजीब है। सुष्मिता को खुले में नहाने की आदत है, इन्हें सूरज के नीचे नहाने में मजा आता है। इन्होंने अपने घर की छत पर बाथरूम भी बनवाया है, जिससे वो आसमान देखते हुए नहा सकें। इसके अलावा सुष को सांप भी बहुत पसंद है और इन्होंने अपने घर एक पायथन भी पाल रखा है। आमिर खान, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, असल जिंदगी में इतने परफेक्ट नहीं है। आमिर खान को ना नहाने की गंदी आदत है। इनके एक्स वाइफ किरण ने बताया कि आमिर खान को रोज रोज नहाना पसंद नहीं है और वो काफी दिन बिना नहाए रहते हैं। इतना ही नहीं, दिल मूवी की शूटिंग के दौरान आमिर ने मजाक में माधुरी दीक्षित के हाथ पर थूक दिया था, जिससे माधुरी बहुत गुस्सा हुई थी और पूरे सेट पर आमिर के पीछे हॉकी लेकर भागी थी। आमिर सेट पर काफी ज्यादा प्रैंक करते हैं। शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग खान को सिगरेट पीने की बहुत गंदी लत है। शाहरुख खान ने कई बार कहा है कि मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूं, पर मुझसे सिगरेट नहीं छूट रही है। इसके अलावा शाहरुख खान को वीडियो गेम का बहुत शौक है और ये काफी देर अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलते रहते हैं। सलमान खान, बॉलीवुड के भाईजान भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सलमान की भी एक अजीब और गरीब आदत है, जहां लोगों को घर, गाड़ी और बाकी चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है, वहीं इन्हें साबुन इकट्ठा करने का शौक है। इनके पास पूरी दुनिया से अलग अलग तरीके के साबुन हैं। संजय दत्त, संजू ने भले ही दारू पीना कम कर दिया हो, पर ये अभी तक अपनी एक गंदी आदत सुधार नहीं पाए हैं। इन्हें गुटखा खाने का गंदा शौक है। ये अपने आप को कैंसर अवेयरनेस इवेंट पे भी नहीं रोक पाए और वहाँ भी इन्हें गुटखा खाते देखा गया। करीना कपूर, कपूर खानदान की ग्लैमरस बेटी करीना भी एक गंदी आदत का शिकार है। बेबो को नाखून चबाने की गंदी आदत है। इन्हें नेल्स पर नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है, पर ये अपने खूबसूरत नेल्स को खुद ही चबा डालती हैं। रानी मुखर्जी, बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी मुखर्जी को सिगरेट पीने की बुरी आदत है। रानी की सुबह की शुरुआत सिगरेट के बिना नहीं होती है। ये एक चेन स्मोकर हैं। इन्होंने सिगरेट छोड़ने की कई बार कोशिश की, पर आज तक सफल नहीं हो पाई। दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की सबसे चहेती एक्ट्रेस दीपिका भी इस लिस्ट का हिस्सा है। दीपिका को OCD की दिक्कत है, इसलिए दीपिका को सब चीजें ऑर्गेनाइज ही पसंद है। उन्हें कोई सामान फैलावा पसंद नहीं है और जब तक दीपिका सारा सामान अपनी जगह पर न रख दे, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। सनी लियोनी, बॉलीवुड की बेबी डॉल सनी लियोनी को अपने पैरों से बहुत प्यार है। सनी को थोड़ी थोड़ी देर में अपने पैर धोने का बहुत अटपटा शौक है। जिसमें 2 की शूटिंग के वक्त लोगों को सनी के इस अजीब और गरीब आदत के बारे में पता चला, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ही सनी शूटिंग रुकवा कर अपने पैर धोने चली जाया करती थी। प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना नाम कमाने वाली प्रियंका को जूतों का बहुत शौक है। प्रियंका के पास कई लाख रुपए के जूते हैं। इनके पास लग्जरियस ब्रांड के जूतों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। इसके अलावा इनको हैंडबैग्स का भी शौक है और ये हमेशा महंगे और नए बैग्स के साथ दिखती हैं। विद्या बालन, विद्या बालन के अजीब शौक के बारे में लगभग सबको ही पता है। इन्हें साड़ी पहनना बहुत पसंद है। इनके पास 800 से भी ज्यादा साड़ीज हैं। ये कई बार साड़ी में ही सो जाती हैं। इनके सिर्फ कपड़े ही नहीं पर शौक भी विंटीज हैं। इन्हें फोन रखने की आदत नहीं है और ये कई दिन तक अपना फोन देखना भी भूल जाती हैं। सोनम कपूर, पापा की परी सोनम कपूर को डिजाइनर कपड़ों का शौक है। सोनम कभी भी किसी सिंपल कपड़ों में नहीं दिखती हैं, वो हमेशा डिजाइनर कपड़ों में ही घर से बाहर निकलती हैं। इसके अलावा इन्हें डिजाइनर हैंडबैग का भी शौक है। सोनम के पास बड़े से बड़े हर ब्रांड का बैग है। जॉन अब्राहम, बॉलीवुड के सबसे हॉट एक्टर भी एक बुरी आदत का शिकार है। जॉन को हमेशा अपने पैर हिलाने की आदत है। आदत से मजबूर जॉन बिना पैर हिलाए बैठ नहीं पाते। तो दोस्तों, आपको इन बॉलीवुड एक्ट्रेस की इन अजीब आदतों के बारे में जान के कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।